नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर जब पत्थर बरसाए जाते हैं तो तथाकथित सेकुलरों के मुंह में दही जम जाती है, और जब मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाती है तो ओवैसी जैसे नेता मुस्लिम मुस्लिम का राग अलापने लगते हैं और शुरू कर देते हैं विक्टिम कार्ड खेलना। उन्हें लगता है कि भारत के मुस्लिम हिंदुत्ववादी सरकार के रहमो करम पर ही जी रहे हैं। जब नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पूरे देश में दंगा मचाया जा रहा था, जब शाहीनबाग को विरोध का अड्डा बनाकर पूरी दुनिया में भारत को बदनाम किया जाता था, जब विरोध के नाम पर दिल्ली को दंगे की आग में झोंक दिया जाता है, तब कोई नेता इन शांतिदूतों से शांति की अपील करने नहीं आता, और जब हिंदुओं के धार्मिक जुलूस पर पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है तो नेताओं की जुबान खुलने लगती है और कहने लगते हैं, अरे ये तो मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हो रही है, अरे भारत के मुसलमान तो हिंदुत्ववादी सरकार की दया पर जी रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन और दिल्ली के जहांगीरपुरी में कार्रवाई के बाद AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ ऐसे ही बोल बोले हैं। उन्होंने एक ट्वीट में मोदी सरकार के खिलाफ भड़ास निकालते हुए लिखा, मुस्लिमों के लिए आज के भारत में रहने का मतलब है हिंदुत्ववादी सरकार की दया पर रहना। चीजें बेहतर होने की संभावना नहीं है। हमें निराशा के आगे झुकना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मसंतुष्ट भी नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह ये काले बादल गुजर जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी को लग रहा है भारत के मुसलमान बीजेपी सरकार के रहमोकरम पर जी रहे हैं। इससे पहले एक इंटरव्यू में ओवैसी ने बोल दिया, बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। खुद धर्म की राजनीति करने का आरोप झेलने वाले ओवैसी आज कानूनी कार्रवाई को भी धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले ओवैसी ने एक और बयान दिया था कि बुलडोजर सिर्फ अहमद और अंसार के खिलाफ चलता है, अजय और अर्जुन के खिलाफ नहीं। तो और ये कौन सी बात आप पार्टी कर रही है? उनके लोग कह रहे हैं कि वहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, इनको क्या गरीबी नजर नहीं आ रही? भारत के नागरिक हैं पूरे के पूरे, वो उनका जुल्म एक ही है कि गरीब हैं। और मैंने जो पहले कहा था वो ये है कि बुलडोजर चलेगा अंसार पर, अहमद पर, बुलडोजर नहीं चलेगा अर्जुन पर और अजय पर, ये फर्क है। और ये अंसार चाहे बीजेपी में हो या आप पार्टी में हो, वो अंसार ही रहता है। यह बयान देने से पहले ओवैसी ने शायद एक बार भी तथ्यों को परखना बेहतर नहीं समझा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही दिनों पहले केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई बुलडोजर की कार्रवाई का पूरा आंकड़ा रख दिया था, जिसके मुताबिक खरगोन में 88 प्रभावित पक्ष हिंदू थे और सिर्फ 26 मुसलमान प्रभावित थे। यानी इन आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा कार्रवाई हिंदुओं के खिलाफ हुई, लेकिन इसके बावजूद ओवैसी जैसे नेता मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अरे जिस मोदी सरकार ने साल 2019 में लगातार दूसरी बार सत्ता में आते ही कहा था मुसलमानों के खिलाफ होने वाले छल में छेद करना है, वो सरकार भला मुस्लिम विरोधी कैसे हो सकती है? जो सरकार मुस्लिम बहु बेटियों को 3 तलाक जैसे दंड से आजादी दिलाती है, वो भला कैसे मुस्लिम विरोधी हो सकती है? लेकिन हाँ, राजनीति करने वाले नेताओं को जरूर लगेगा कि मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है, क्योंकि उन्हें तो अपनी राजनीतिक रोटी जो सेकनी है। बहरहाल ओवैसी के बयान के मुताबिक क्या आपको भी लगता है कि भारत के मुसलमान बीजेपी सरकार की दया पर ही जी रहे हैं? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।